लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो चिराग पासवान है वह अकेले चुनाव लड़ पाएंगे या फिर गठबंधन। कुमार को ये पता है कि मुझे कहाँ बैक फुट पे आके खेलना है, कहाँ मुझे फ्रंट फुट पे आके खेलना है। कम कंपनी ने 20 से 21% की वृद्धि कर दी है कि चार्ज में, तो क्या लगता है इस पर मोदी सरकार को कुछ? सम्राट चौधरी थे, वो मुरेठा बांधे हुए थे कि जब तक नीतीश कुमार को नहीं निकालेंगे तब तक हम नहीं खोलेंगे, और नीतीश कुमार ने बेइज्जत कर दिया भरी पूरे बिहार में। वो लॉटरी की जो सिस्टम है सरकार का, उसके चलते भी गिरना लगा। नीतीश कुमार को पलटी मारने की वजह क्या होती है? देश में लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, इसके बाद बिहार में आगामी 2025 में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, जिसको लेकर सभी पार्टी के संगठन को मजबूती देने में पार्टी नेता और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। 2025 में होने वाला है, उसको लेकर हम हमारे साथी दिलीप मिश्रा, जो पत्रकारिता से संबंध रखते हैं, उनसे हम जानेंगे कि बिहार के राजनीति पे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनके क्या राय है, क्या पार्टी जो इस बार लोकसभा चुनाव में जदयू और भाजपा ने एक साथ परफॉर्म किया और इंडिया गठबंधन में परफॉर्म किया, उसमें क्या कुछ दरार पड़ेगी या फिर दोनों एक साथ ही चुनाव, दोनों पार्टियां जो इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा उसी तरह फिर विधानसभा चुनाव में वैसा देखने को मिलेगा। तो स्वागत है दिलीप जी, कैसा इस बार विधानसभा चुनाव आगामी जो होने वाला है 2025 में क्या देखने को मिलेगा? बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी तो शुरू हो गई है, दोनों ब्लॉक की तरफ से तैयारी अपने आप पे चल रही है। जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, अभी माना जा रहा था कि इस चुनाव में जदयू को काफ़ी कम सीटें आएंगी, लेकिन जदयू ने अच्छा खासा परफॉर्म किया। उसका कारण ये है कि बिहार में जब भी चुनाव होगा तो जदयू खुद को बैकफुट पे ले जाती है और वो बीजेपी को आगे करती है। जब बीजेपी आगे आएगी तो राजद आगे आ जाती है, तो वो चुनाव राजद बनाम बीजेपी हो जाता है और उसका सीधे फायदा जदयू को मिल जाता है। तो नीतीश कुमार को ये पता है कि मुझे कहाँ बैक फुट पे आके खेलना है, कहाँ मुझे फ्रंट फुट पे आके खेलना है। इसलिए बिहार में सीएम 20 सालों तक नीतीश कुमार बने हुए हैं, मेन कारण ये है। दूसरी चीज़, अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा उसमें एनडीए एक साथ रह पाएगी नहीं रह पाएगी, इसका कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसके पीछे कारण ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान नीतीश कुमार को हर सीट पर हराने जा रहे थे, मोदी जी का वो भक्त हैं और खुद को हनुमान कहते हैं, जदयू को काफ़ी सीट का नुकसान भी कराए। उसके बाद अभी सरकार में हैं, मंत्री भी हैं और 5 सीट संसद में जीते भी हुए हैं लोकसभा में, तो अगली बार वो अपने आप को भी चीफ मिनिस्टर का दावेदार मानते हैं, तो हो सकता है वो भी चुनाव से पहले अपना दावेदारी पेश करें। क्या विधानसभा चुनाव में जो चिराग पासवान है वह अकेले चुनाव लड़ पाएंगे या फिर गठबंधन के साथ ही कर पाएंगे? अभी इसमें कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी देखिए सीट की बंटवारा में बहुत बड़ा पेच फंसेगा। अकेले सांसद हैं जीतन राम मांझी, और एक जब सांसद हैं वो केंद्र में मंत्री हैं, तो कम से कम वो 20 सीटों पे अपनी दावेदारी ठोकेंगे, इससे कम सीट वो नहीं मांगेंगे। चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीट मिली है, तो उसमें कम से कम वो 50 से 60 सीटें मांगेंगे। जब ऐसे ही 70 सीटें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर इसमें सोचिए कि बीजेपी और जदयू कहाँ जाएंगी, और बीजेपी तो मानना है क्योंकि अपने आप को बड़ी पार्टी कहती है, तो वो 100 सीट से कम नहीं लेने जाएगी, तो ऐसे में फिर सीटें बचेंगी कहाँ? तो इस पर टकरार बढ़ेगा, और टकरार बढ़ेगी तो हमको लगता है कि कुछ पार्टियाँ उसमें से निकलेंगी, और वो निकल के मतलब रहेंगी बीजेपी के साथ, लेकिन अंदरूनी रूप से जदयू को चोट पहुँचाने की कोशिश तो करेंगी। चुनाव से पहले हर बार नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते थे केंद्र से, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, ठीक है, वो अपनी एक मांग है, वो अब किस तरह से देखते हैं। हालांकि वो तो विकास के नाम पे ये भी कहते हैं कि बिहार है वो लैंडलॉक देश है, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है, समुद्री मार्ग नहीं है, इसलिए इसका विकास नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, MP में भी नहीं है और कई राज्यों में भी नहीं है आसपास समुद्री क्षेत्र, लेकिन वहाँ तो डेवलपमेंट हो ही रहा है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि हम इसका विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात रही, इनको विकास के लिए बहुत सब चीज़ें देखनी पड़े। नीतीश कुमार की बात रहती है, वो इधर उधर पलटी मारते रहते हैं और वो अपनी सरकार में चलते रहते हैं, और ये स्पेशल स्टेटस का जो बात है, स्पेशल दर्जा की, तो जम्मू कश्मीर से 370 हटा के कहीं ना कहीं उसी को ख़त्म किया गया, और आप फिर एक राज्य के लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं, तो ठीक नहीं होगा। झारखंड पिछड़ा है, वो भी मांगेगा, दावेदारी पेश करेगा, आंध्र प्रदेश करेगा, फिर और कई राज्य हैं जो गरीब में आते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, तो ये सब सही सभी राज्य हैं, वो भी मांगेंगे, तो आप एक राज्य को देकर और बाकी को बढ़ावा नहीं दे सकते, तो फिर इसलिए बिहार उसको देना केंद्र को सही नहीं है। हालांकि इस बार केंद्र सरकार ने 58,000 करोड़ रुपये दिया है, अतिरिक्त राशि दी है, हमको लगता है इस राशि से विकास में अगर सही से डेवलपमेंट किया जाए तो
बहुत विकास होगा। विपक्ष का कहना है, तेजस्वी यादव का कहना है कि जो नीतीश कुमार केंद्र से बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मांग कर रहे थे, अब उनको नहीं मिल पाए तो उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या लगता है इस पर? देखिए, ये बात पॉलिटिकली है और ये बात हर समय क्या है, कुछ भी हो सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। भैया सीएम सीएम बन के वो काम करने के लिए आया, हर चीज़ में इस्तीफा थोड़ी देते रहेंगे। अब बताइए, रेल दुर्घटना हो जाए तो वित्त मंत्री उसको रेल मंत्री को दे देना चाहिए, कुछ भी आए तो वित्त मंत्री को दे दो, प्रधानमंत्री को, फिर चलाएगा कौन? लोगों ने चुन के भेजा है ना, वो अपनी जिम्मेदारी तय कर, उसे गलती की है तो उसको सुधार करने की कोशिश करेगा। इस्तीफा देना थोड़ी कोई बड़ी बात हुई, फिर तो ऐसे में डीएम सारे इस्तीफा दे देंगे, फिर प्रशासन दे देंगे, तो फिर चलाएगा कौन? इस्तीफा देना इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है कि आप उसकी एक ठोस रास्ता निकालिए, उस पर काम करिए। बिहार में लगातार पुल गिरते जाएगा, इस पर क्या लगता है कि भ्रष्टाचार हो सकता है, इस पर क्या इंजीनियर की कुछ कमी हो सकती है? पुल गिरने पे कमी बहुत सारी हो सकती है। एक तो इंजीनियर की लापरवाही है, सही सामान का इस्तेमाल नहीं करना होता है, और दूसरी चीज़ एक ये भी है कि बिहार में वो परसेंटेज का जो कमीशन है ना, वो बहुत खतरनाक है। हर किसी का एक परसेंटेज का स्थिति बना हुआ है कि यहाँ गया 5%, 2%, 3%। ये सिस्टम जब तक ख़त्म नहीं होगा, पुल सुरक्षित नहीं होगी। जब बजट पास होता है, पुल बनाने की बात होती है, वहीं पे डीपीआर सेट हो जाता है कि इसको इतना परसेंट जाना है। पहली चीज़ ये हो गई। पुल की आप देख रखाव करते नहीं हैं, आप बालू ढोते हैं, बालू ट्रक लेके जाती है, क्षमता कुछ और है, उससे ज़्यादा ले जाएंगे, वो भी एक। लेकिन कई बार तो बिहार में इस बार जो आया है मामला, उद्घाटन से पहले ही पुल गिर गया। हाँ, तो वही बता रहा हूँ ना, जो कमीशन का सेट है और घटिया जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो पुल तो गिरना तय है। क्या लो लॉटरी की जो सिस्टम है सरकार का, उसके चलते भी पुल गिरना लगा है? हाँ, ये एकदम निश्चित क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बताइए कि आप लो बजट रखेंगे तो एक तो पहले परसेंटेज है उसमें, और दूसरी चीज़ अब लो जब बजट रखेंगे, महंगाई इतनी है, तो सामान एकदम निश्चित है कि आप घटिया खरीदेंगे, लो क्वालिटी खरीदेंगे, तो पुल तो निश्चित ही गिरेगा। जब घटिया चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो पुल तो गिरना है तय ही है। और दूसरी चीज़ अभी देखिए, बिहार में क्या है कि नदियाँ रास्ता बदल देती हैं, बिहार की जो ज़मीन है वो थोड़ा सा दलदल वाली है, तो बारिश होगा तो उसका गिरना तो तय ही है। ऐसा नहीं है, मतलब कहीं बाहर तो छोड़ दीजिए, आप पटना में देखिए, महावीर मंदिर के पास आपको याद होगा फ्लाईओवर से गिरा था, उसमें भी एक आदमी की मौत हुई थी। ज़रूरी नहीं कि मतलब पटना से हटके हो, मतलब पटना जैसे क्षेत्रों में भी होता है, तो घटिया जो सामान इस्तेमाल होगा तो पक्का है कि लोग मरेंगे और पुल तो गिरते रहेंगे। केंद्र में जो पीएम मोदी के गठबंधन मोदी 3.0 की सरकार बनी है, उसमें मोदी को तो उतनी सीटें नहीं मिल पाई है, लेकिन जो गठबंधन की सरकार बनी है एनडीए की, क्या चल पाएगी या फिर कुछ दिक्कत हो पाएगा? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं उस पर, अब कब गिर जाए सरकार ये भी नहीं कह सकते, चला भी सकते हैं, क्योंकि अगर इतिहास की बात करें, आंकड़ों पर बात करें, तो आज तक नरेंद्र मोदी गुजरात में भी जो सरकार चलाए हैं या फिर दो टर्म केंद्र में जो सरकार चलाए हैं, वो अभी तक वो पूर्णकालिक सरकार चलाए हैं, उनको गठबंधन सरकार चलाने का अभी तक कोई अनुभव नहीं है, बशर्ते ये पहली बार वो गठबंधन सरकार चलाने जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी देखिए 2026 में परिसीमन होना है, 21 में जनगणना होना था, कोविड के चलते नहीं हो पाया, लेकिन 26 में वो परिसीमन होना है, तो लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, तो उसके पहले जो जनगणना होगी तो उसमें नीतीश कुमार ये पेच लगा सकते हैं कि इसको जातीय जनगणना में कन्वर्ट करिए। और जैसे ही जातीय जनगणना का मामला आता है, बीजेपी खुद भागती है, आपको भी पता है, पहला चीज़ वो भी हो सकता है। एक स्पेशल राज्य का दर्जा है, अभी देख ही रहे, बजट भरसक दे दिए, लेकिन मन में एक थोड़ी सी है नाराजगी, तशक है। और बिहार विधानसभा चुनाव में आगे पता होना क्या हो। इसके अलावा देखिए, वो जो वो है इनकी चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, वो हमेशा से वो नीतीश कुमार ही है, वो दूसरे नीतीश कुमार हैं, कभी भी दल बदल कर सकते हैं, उनका कोई ठीक नहीं है। अगर जहाँ भी थोड़ी सी नाराजगी आई दोनों के बीच में, नीतीश कुमार हो या नायडू हो, वो तुरंत पलट लेंगे, बशर्ते अब देखिए कितनी दिन सरकार चला पाते हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन भी लगी है कि हम कुछ लोगों को अपने में खींच के अपनी सरकार चला पाएँ, बशर्ते देखना होगा कि कितने दिन तक ये सरकार चला पाते। नीतीश कुमार का पलटी मारने की वजह क्या होती है? नीतीश कुमार हमेशा सेफ अपना गेम खेलना चाहते हैं, वो देखते हैं कि मेरी सीएम की कुर्सी कब तक सेफ है। अगर उनको लगता है कि यहाँ रहने पे मुझे अब खतरा हो सकता है, अगले कुछ दिनों में दिक्कत है, वो तुरंत अपना पाला चेंज करते हैं। अब अच्छा ये भी है, उनके मजे की बात है कि वो अपना बयान देते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन इस पार्टी में नहीं जाएंगे, और जब बोलते हैं मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि मुझे पता है कि इसी बयान में छिपा हुआ है कि वो अगले कुछ दिनों में ही या अगले सालों में ही कुछ ना कुछ पलटी मारेंगे। जब आपको नहीं जाना है, ये बात करने की जरूरत ही नहीं कि हम इसमें नहीं जाएंगे उसमें नहीं जाएंगे। क्या बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में अगली बार जो चुनाव होगा उसमें अकेले दम पर चुनाव लड़ पाएगी या गठबंधन के साथ लड़ पाएगी? देखिए, अब इसमें भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अब नीतीश कुमार की वहाँ मतलब दम पर केंद्र में सरकार चल रही है, यहाँ नीतीश कुमार को कोई नाराज़ नहीं करना चाहेगा। अगर कुछ सीटों का बात आया तो सब देखिए, अभी ये
सम्राट चौधरी थे वो मुरेठा बांधे हुए थे कि जब तक नीतीश कुमार को नहीं निकालेंगे तब तक हम नहीं खोलेंगे, और नीतीश कुमार ने बेइज्जत कर दिया भरी पूरे बिहार में, उनको जाके खोलना भी पड़ा। तो इसका मतलब है कि सम्राट चौधरी तो सीएम की रस से कतई बाहर हो चुके हैं, अब उनको वापस आना नामुमकिन है। दूसरी तरफ बची प्रशांत किशोर भी लगे हुए हैं जनसुराज से जोरों शोर से। अब ये तो नहीं कह सकते कि वो जनसुराज से लेकर सरकार ही बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बिहार में जाति का बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो अभी नहीं टूटने वाला। अगले दोनों पार्टियों का इंडिया गठबंधन हुए और इंडिया गठबंधन उनका खेल बिगाड़ सकते हैं प्रशांत किशोर कुछ सीटों पे, निश्चित 40 से 50 सीटें मुझे ऐसा लगता है कि खेल बिगाड़ेंगे। जीत का जहां तक का बात है तो 15 से 20 मुझे सीट लगता है ऐसा कि जो वो अपने विधायक को जिता ले जाएंगे। अगर 243 पे उतरते हैं तो 15 से 20 सीटों पे तो आराम से वो जीत जाएंगे। विधानसभा चुनाव के से पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ इसमें चर्चा थी कि नीतीश कुमार जो पलटी मारते हैं उनसे जो वोटर थे उनमें नाराजगी थी, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं तो उनको वोट नहीं मिलेगा, उनकी वजह से बीजेपी का हार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। क्या बीजेपी के लिए गेम चेंजर हुए या फिर लकी हुए नीतीश कुमार? देखिए ये क्या है कि जैसे बिहार में जब भी चुनाव होता है, हम आपको पहले भी बताए हैं कि बिहार में जब देखते हैं पहले नीतीश कुमार प्रचार प्रसार करते हैं, राजद को थोड़ा उकसाते हैं 2-3 बयान और बोलते हैं कि आपको पता है ना 10 साल पहले 20 साल पहले क्या हुआ था जंगल राज, तो मामला खुलता है। अब बीजेपी को ये समझ में नहीं आता कि हमको इस मुद्दों से हटके दूसरे मुद्दे पर जाना है, गरीबी बेरोजगारी उस पर देखना है। अब बीजेपी को वही दिया जाता है जंगल दिन, और अमित शाह हो मोदी हो चाहे जो भी हो वो आते हैं सीधे जंगल राज पे, और वो लड़ाई हो जाती है सीधे बीजेपी बनाम राजद की। अब इसमें जदयू खुद को बैकफुट पे करता है तो लोग उबे हुए हैं, राजद के कार्यकाल से भी उबे हुए हैं और बीजेपी का भी सरकार मतलब अभी तक तो लोग देख ही चुके हैं, तो अब लगा कि नहीं नीतीश कुमार के अलावा कोई नेता नहीं है बिहार में, और बीजेपी के पास भी कोई खास चेहरा नहीं है, और राजद के पास तो तेजस्वी हैं, तेजस्वी अब लालू का तो काल देख ही चुका है, तेजस्वी का भी थोड़ा बहुत तो देखा ही है सरकार में वाला, तो सब स्थिति देखते लगता है कि चलो यार कोई नहीं है तो मतलब नीतीश जी चाहता ठीक है उन्हीं को वोट दे दो, इसी चक्कर में वो अच्छी खासी सीटें बना पाए। जो महंगाई बढ़ रही है फिलहाल सरकार बनने के बावजूद भी महंगाई तेजी से बढ़ने लगी है, तो क्या लगता है महंगाई को कंट्रोल करने चाहिए सरकार को नहीं करने चाहिए? फिलहाल में टेलीकॉम कंपनियों ने 20-21% की वृद्धि कर दी है चार्ज में, तो क्या लगता है इस पर मोदी सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए? एकदम उठाना चाहिए। एक बात बताइए, आपकी प्राइवेट कंपनियां आप इतनी हाई जाते जा रही, आप इस पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे? ये आपको देखना है ना कि हमारी महंगाई कहाँ जा रही है, हमारे देश की जनता है। एक बात बताइए, आपको GST लगाया है, GST से फायदा आ रहा है, बेतहाशा आ रहा है, मई तक की आप रिपोर्ट देते हैं उसके बाद जून जुलाई की आप रिपोर्ट गायब कर दिए नहीं दे रहे हैं। एक बात समझिए, सरकार को जब फायदा है तो उस फायदा पब्लिक को भी दीजिए ना, पब्लिक आपको चुन के भेजिए, तो वो चीज़ों आप पब्लिक के बारे में थोड़ा तो सोचिए। आप कह रहे हैं कि नहीं पूरे विदेशी कारण के चलते महंगाई बढ़ी है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी देशें हैं जहाँ पर महंगाई नहीं है। आपको देखना होगा, हम एक बात पूछते हैं, हमारे घर में खाना नहीं होगा तो मैं अपने यहाँ देखूंगा ना कि मैं विदेशी कहाँ दूसरे के यहाँ देखूंगा तो उसके घर में तो वो नहीं खा रहा है, तो भैया मैं अपना देखूंगा। महंगाई बहुत है, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप घटा के मतलब जैसे पेट्रोल डीजल है उस पर आप वैट घटा के कम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार को महंगाई पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथी दिलीप मिश्रा जी, जो कई मुद्दों पर बिहार की राजनीति के साथ देश के राजनीति महंगाई से कई मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा किए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप इतने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा कर ऑल बटन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। फिर अगले वीडियो में हम किसी और मुद्दे पर हम किसी अन्य साथी या विशेषज्ञ से हम बातचीत करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हम उस सवालों का जवाब भी विशेषज्ञ से और अन्य लोगों से हम राय लेंगे।